किरण फूड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, मैं आपके लिए आज एक नई रेसिपी के साथ आई हूँ, तो जिसका नाम है अंडे और दाल की मिक्स सब्जी। तो और चार टमाटर और ये मसाला, हल्दी पाउडर, गरम मसाला, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, नमक और जीरा, और ये मलका को, मसूर दाल को साबुत को भिगा के रख लिया है। देखो, ये 10 मिनट में भी बन जाता है। और ये अदरक लहसुन, और इसमें मैंने मिक्सी में मैंने डाल लिया है प्याज, अदरक और लहसुन और हरी मिर्च। मैंने इसको मिक्सी में ग्राइंडर करूँगी, इसलिए मैंने पहले से इसमें डाल लिया। मिक्सी में ग्राइंड करूँगी, इसलिए मैं लहसुन अदरक का और हरी मिर्च का पेस्ट तैयार करूंगी। अभी थोड़ा मुझे और भी पतला करना होगा। अब इसमें मैं काटा हुआ टमाटर डाल के ये सभी को मैं बर्तन में निकाल लूँगी। अब मैं गैस पे पैन को डाल दिया है। अब इसमें मैं सरसों तेल डालूंगी, आप चाहो तो रिफाइंड में भी बना सकते हो। मैं अब इस अंडे को मैंने ब्राउन होने तक पकाऊंगी। ब्राउन होने में 2 से 3 मिनट लग जाता है। अब ब्राउन हो चुका है, अब मैं इसे एक एक करके निकाल लूँगी। हो चुका है, अब मैंने किसे निकाल लिया है। अब मैं इसमें डालूँगी जो बचा हुआ तेल है, उसी में आप बना लीजिए। तो अब मैं इसमें जीरा डाल रही हूँ, तेजपत्ता, और जो मैं अदरक लहसुन और टमाटर, हरी मिर्च और प्याज का पेस्ट बनाया था, इसमें डाल दूंगी। और इसे भी मैं गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करूंगी। गाया हुआ दाल जो मैं पहले रखी हुई हूँ, उसको भी डाल के फ्राई करूँगी। मैं इसे ढक दिया है, बीच बीच में इसे मिलाते ही रहना है। दो से तीन मिनट हो चुका है। अब मैं इसमें हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, मिर्ची पाउडर और नमक डाल दूंगी। इन सभी को अच्छी तरह से मिक्स करना है। तब तक मैं अंडे को मैं फॉक से
इससे क्या होता है, आप सिंपल भी डाल सकते हो, लेकिन इससे क्या होता है कि आपका ये रस अच्छी तरह से इसमें डीप हो जाता है, जिससे अंडे टेस्टी लगते हैं खाने में। देखिए ये भी मसाला भी हल्का ब्राउन हो चुका है। इसमें मैं अब अंडे डाल दूंगी और इसको साथ में ही मिलाऊंगी। देखिए कलर कितना प्यारा हो गया है और खुशबू भी अच्छी तरह खुशबू भी आ रही है। आप एक बार ज़रूर बना के देखिए। अब देखिए अब ये अच्छी तरह डीप फ्राई हो चुका है। अब मैं इसमें पानी डाल दूंगी। हैं इतना आपको डालना होगा दाल भी, क्योंकि दाल भी इसमें गलना चाहिए, इसलिए मुझे थोड़ा पानी डालना ज़्यादा ही डालना पड़ेगा। अब इसे मैं 10 मिनट के लिए ढक के गैस के ऊपर छोड़ दूंगी। अब ये तैयार हो चुका है। अब इसे मैं अब ये तैयार हो चुका है। अब अपने बच्चों के साथ, दोस्तों के साथ इंजॉय करके और इंजॉय कीजिए। है अब अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो मैं अगले बार अगली रेसिपी के साथ फिर से आऊँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।